दोस्तों, सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर 2 का सीक्वल जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है। फिल्म की रिलीज से पहले से लेकर विवाद भी शुरू हो गया। हाल ही में फिल्म के एक सीन पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC ने एतराज जताया। SGPC ने फिल्म के एक्टर और डायरेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। इसको लेकर अब डायरेक्टर अनिल शर्मा ने अपनी सफाई पेश की। अनिल शर्मा ने ट्विटर पर एक स्टेटमेंट पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया वो किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। कैप्शन में उन्होंने लिखा, गदर 2 की चंडीगढ़ गुरुद्वारा साहिब में हुई शूट को लेकर कुछ गलतफहमी कुछ मित्रों के मन में हुई, उसे लेकर मेरा स्पष्टीकरण प्रस्तुति है। सब धर्म संभव, सब धर्म सद्भाव, यही शिक्षा पाई है मैंने और यही है हमारी गदर 2 की यूनिट का मंत्र। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा सीन गुरुद्वारा के बाहरी हिस्से में फिल्माया गया। मैं और मेरी पूरी यूनिट सबकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं। हमारा कोई मकसद नहीं किसी को ठेस पहुंचाने का, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो मैं उन लोगों को माफी मांगता हूं जो भी आहत हुए हैं। दरअसल SGPC को गदर 2 के एक सीन पर एतराज है, जिसे गुरुद्वारा में फिल्माया गया। इस सीन में सनी देओल और एक्ट्रेस अमीषा पटेल एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले नजर आए। सोशल मीडिया पर यह क्लिप काफी वायरल हुई, जिसमें पीछे खड़े लोग भी उन्हें चीयर करते दिखे। SGPC के महासचिव गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सनी देओल इस तरह के सीन को गुरुद्वारे के परिसर में फिल्मा रहे हैं, दोनों ऐसे पोज भी दे रहे हैं जो भी गुरुद्वारे में किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए।